अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम अली और आप देख रहे हैं मरियम्स कुकिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पकौड़ा सैंडविच की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत सिंपल और बहुत इजी है। इसके लिए सबसे पहले हमने पालक ले ली है, आलू बारीक बारीक चॉप किए हुए और प्याज बारीक बारीक चॉप किया हुआ ऐड करेंगे और सब्ज़ मिर्चें जो हैं बहुत ही बारीक कटी हुई ऐड करेंगे। इसके बाद हम अपने अपने बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने फेज ज़ीरा ऐड किया है, नमक ऐड करेंगे, कुटा हुआ साबुत धनिया, लाल मिर्च और दादरी मिर्च, और इसके बाद हम इसमें 2 स्पून बेसन ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके देखेंगे कि बेसन हमें इसमें मज़ीद रिक्वायर्ड है या नहीं। सो यहाँ पे बेसन मुझे जो है वो थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं इसमें मज़ीद बेसन ऐड करूँगी और इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हमारा मिक्सचर जो है नरम होना चाहिए। तो अब हम सबसे पहले ब्रेड लेंगे और उसको मिड में जो है से जो है वो काट लेंगे और फिर हमारा मिक्सचर जो कि रेडी हो चुका है वो हम इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई करेंगे और थोड़ा सा जो है वो प्रेस कर देंगे। इसको दोनों साइड पे हम इसको अच्छे से अप्लाई कर देंगे। बहुत क्रंची और बहुत मज़े का बनता है। जिनको क्रंची जो है वो चीज़ें पसंद है खाने में तो वो ये ज़रूर ट्राई करें। ऑयल जो है वो मीडियम फ्लेम पे होगा, तो हम इसमें जो है वो अप्लाई करके इसको ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से कुक होने देंगे। और मीन वाइल जो है वो हम ऑयल इसके ऊपर भी डालते रहेंगे ताकि बेसन जो है वो ऊपर से भी पकता रहे। सो इसके बाद हम इसको टर्न कर देंगे, एक साइड इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम इसको जो है वो टर्न कर देंगे। इस तरह से ऑयल दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे। सो हियर वी गो, पकौड़ा सैंडविच इज़ रेडी। ज़रूर ट्राई करें, बहुत क्रिस्पी बहुत क्रंची बनते हैं। ख़ुद भी खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं। मुझे तो हमें याद रखिएगा। वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन एज वेल। अल्लाह हाफिज़।